नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक की अर्जी की पहली सुनवाई में अब बस 6 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे ठीक पहले तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है उसके बाद फिर से ये साफ हो गया है कि तेज प्रताप ऐश्वर्या के साथ अपने संबंधों को लेकर के अभी भी अड़ी है। दरअसल तेज प्रताप ने इसी महीने के शुरुआत में ऐश्वर्या के साथ अपनी 6 महीने की शादी से अलग होने का फैसला लिया, तलाक की अर्जी दायर की और उसके बाद से लगातार तेज प्रताप यादव पटना से बाहर हैं। उन्होंने अपने परिवार की ना तो सुनी और ना ही अपने पिता लालू यादव की। उसके बाद से लगातार तेज प्रताप बनारस और वृंदावन की यात्रा पर हैं। खास बात ये कि पटना आने के कयासों के ठीक पहले तेज प्रताप ने जो ट्वीट किया है उसके माध्यम से बताने की कोशिश हुई है कि अगर संबंध में गांठ पड़ जाए तो फिर से उस संबंध को सही तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। रहमन के एक दोहे के माध्यम से तेज प्रताप का ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी है कि जो फैसला उन्होंने करीब 3 हफ्ते पहले लिया था उस फैसले पर अभी भी वो कायम है। खास बात ये कि लगातार परिवार के सदस्य तेज प्रताप को इस बात को लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना फैसला बदल दें। ऐश्वर्या के परिवार के लोग भी जो है लगातार लालू राबड़ी के संपर्क में हैं। कोशिश यही है कि तेज प्रताप सुनवाई के ठीक पहले अपना तलाक की अर्जी जो है वो वापस ले लें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप ने अपने शादी के बीच जो भी तनाव हुआ या फिर संबंधों में जो खटास आई उसके लिए अपने ही परिवार के करीबी 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कह दिया कि उनका परिवार उनके साथ नहीं खड़ा है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में तेजस्वी भी उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी बात हुई है और उनको उम्मीद है कि उनका बेटा पटना लौटेगा, लेकिन आने के पहले जो ट्वीट है ये साफ कर रहा है कि भले ही तेज प्रताप पटना लौट आए लेकिन उनका जो फैसला है उससे वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है।